हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप। लेट्स बिगिन विद इट। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द हिस्टोरिकल टाइज। हिस्टोरिकली हमारे मालदीव के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप रहे हैं, हिस्टोरिकली उसकी क्या परस्पेक्टिव थे, उस तरीके उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी एंड आज की डेट में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड, वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव फॉर इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मालदीव, किस तरीके से बेनिफिट्स और एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है हमें, वो हमें डिस्कस करना है। सेकेंड, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, इंडिया किस तरीके से मालदीव के डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है मालदीव के अंदर, उस चीज़ को हमें डिस्कस करना है। एंड फोर्थ, डिफेंस एंड सिक्योरिटी डिप्लोमेसी, इंडियन ओशन रीजन में एक डिफेंसिव पार्टनरशिप बनाना हमारे लिए मालदीव के साथ बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ द मैरीटाइम सिक्योरिटी, और हम खुद को एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह पोर्ट्रे करना चाहते हैं, इसलिए मालदीव के साथ हम काफी ज्यादा डिफेंस और सिक्योरिटी डिप्लोमेसी में भी इन्वॉल्व रहते हैं, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज चैलेंजेस, एंड द मेजर चैलेंज इन केस ऑफ मालदीव इज चाइनीज फैक्टर। चाइनीज फैक्टर कॉज चाइना हैज बीन एसोसिएटेड विद मालदीव ऑन अ वॉर टाइम स्केल, और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मुझे देखने को मिलता है चाइना का, विच इज नॉट गुड फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिकली, वो काफी ज्यादा एप्रीहेंसिव है इंडिया के लिए, उसे भी हमें डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल टाइज की बात करें, हिस्टोरिकल टाइज में हमें पता चलता है कि मालदीव एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी फ्रॉम द टाइमलाइन ऑफ 1880s टू 1965। हमारी हमें आजादी मिली है 1947 में, एटलीस्ट 18 ईयर्स बाद हमारा जो सदर्न नेबर है मालदीव उसको भी आजादी मिल रही है। ब्रिटिश वेंट बैक टू देयर, ब्रिटिशर्स ने विदड्रॉ कर लिया वहां से और वो अपने देश वापस चले गए मालदीव को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना के। और विद इन 7 ईयर्स इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने स्टार्ट कर दिए थे मालदीव के साथ। डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब है कि हमने एक दूसरे के यहाँ एम्बेसीज खोल दी हैं, हमारे डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स जो हैं वो एक दूसरे उनका एक्सचेंज देखने को मिलता है, उनके डिस्कशंस देखने को मिलता है, सो दैट हम कोऑपरेशन के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क कर सके। अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव्स? मालदीव्स लाइज नेक्स्ट टू द की शिपिंग लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितनी भी हमारी जो की शिपिंग लेन्स हैं स्पेसिफिकली इन द इंडियन ओशन, तो जो वो शिपिंग लेन्स हैं वो काफी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में है मालदीव्स के पास, और उनको सिक्योर करना इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इंडियन ओशन में 3 choke points की बात करते हैं। 1 इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, that is in Southeast Asia between Singapore and Sumatra Island. The next is Babal Mandeb Strait, that is in Red Sea, जो हमें Suez Canal की access देता है. And the third one is Gulf of Hormuz, जो हमें Persian Gulf में देखने को मिल रहा है. इन तीनों से जो हमारा ट्रेड पास हो रहा है फ्रॉम इंडियन ओशन, वो काफी ज्यादा पास से निकलता है मालदीव्स के, और उन सी लेन्स को फ्री एंड सिक्योर रखने के लिए हमें मालदीव्स के कोऑपरेशन की काफी ज्यादा जरूरत है। सेकेंडली, मालदीव की जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। अगर मैं अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करूं, मैरीटाइम सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। आपको पता है 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है, कोस्टल रेंज है। 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ था वो भी मैरीटाइम के थ्रू ही हुआ था, मैरीटाइम रूट के थ्रू हुआ था, इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट एंड आज की तारीख में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, सिक्योर रखना है, तो हमें मालदीव के साथ कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंडियन डायस्पोरा की अगर बात की जाए, तो लगभग 25,000 इंडियंस काम करते हैं मालदीव में, जिससे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इंप्रूव होता है। सेकेंड, इंडियंस के लिए मालदीव एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और मालदीव की इकोनॉमी के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी लार्जली डिपेंड करती है टूरिज्म पे। लेकिन इतने टूरिस्ट मालदीव जाने से हमें ये भी पता चलता है कि जो इंडिया के पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है विद मालदीव वो इंप्रूव हो रहा है, और किन्हीं भी दो कंट्रीज के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अगर आगे की सिग्निफिकेंस की बात की जाए, तो हम मालदीव्स को एक इस तरीके से देखने को मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से कि मालदीव एक जियोपॉलिटिकल टसल का हिस्सा बन चुका है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना बोथ ट्राइंग टू बी दी रीजनल पावर, बोथ ट्राइंग टू बी दी सुपर पावर, सुपर स्टार्डम गेन करने की रेस में लगे हुए हैं दोनों। ऐसे समय पे दोनों अपने डोमिनेंस बनाना चाहते हैं इंडियन ओशन में और अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं इंडियन ओशन में। तो हमारा प्रेजेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि चाइना जैसी कंट्री मालदीव्स जैसे छोटे स्मॉल आइलैंड नेशन को इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ यूज कर पाए अपनी वहां प्रेजेंस बना के। चाइना के मल्टीपल इनिशिएटिव जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हमें देखने को मिलता है कि दैट वाज सराउंडिंग इंडिया फ्रॉम ऑल द साइड्स इन द इंडियन ओशन, जो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए काफी ज्यादा हानिकारक था। इस वजह से हम बोलते हैं कि मालदीव्स हैज ऑलरेडी बिकम दी
जियो पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिकल टसल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सेकंड जो मुझे एक और देखने को मिल रहा है वहां, जो रेडिकलाइजेशन देखने को मिलता है मुझे मालदीव्स के अंदर, वो भी इंडिया से इंडियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, इसलिए वो भी एक सिग्निफिकेंस है हमारी कि हमें उसे भी रिजोल्व करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है लास्ट ईयर जब इंडियन योगा नेशनल योगा डे और या फिर वर्ल्ड योगा डे जिसको हम बोलते हैं 21 जून जब वो सेलिब्रेट किया जा रहा था मालदीव्स में, तब काफी ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट की गई थी बाय द इस्लामिक रेडिकलिस्ट इन द सेलिब्रेशन ऑफ योगा डे, जिससे हमें पता चलता है कि सेक्शन ऑफ मालदीवियन पॉपुलेशन डू नॉट वॉन्ट गुड रिलेशनशिप विद इंडिया बट मेजोरिटी ऑफ देम आर प्रो इंडियंस। अगर मालदीव्स की बात की जाए, मालदीव्स ऑलरेडी काफी सारी रीजनल एसोसिएशंस का हिस्सा है हमारे साथ, जैसे हम सार्क की बात करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मालदीव्स इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट टू इट। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, विच इज इंडियन ओशन की जितनी भी प्रॉक्सिमिटी वाली कंट्रीज है उनकी एसोसिएशन है, उसका भी पार्ट है मालदीव्स। इवेंचुअली हम सागर इनिशिएटिव की बात करते हैं जिसमें हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसमें भी मालदीव्स को साथ लेके चलना हमारे लिए जरूरी है अगर हम खुद को एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखते हैं। अगर डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की बात की जाए, इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्रोएक्टिव इन प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट टू दी कंट्रीज इन आर नेबरहुड, चाहे आप गुजरात डॉक्ट्रिन की बात करें, चाहे आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें, तो मालदीव्स थ्रू दीज सर्टेन पॉलिसीज हैव गेन्ड अ लॉट। जैसे हमें देखने को मिलता है इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, क्रिकेट स्टेडियम, टूरिज्म सेंटर, साथ के साथ नेशनल पुलिस अकेडमी भी बना रखी है हमने वहाँ। हमने एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में अभी बहुत एक मेजर इन्वेस्टमेंट किया है मालदीव्स के अंदर। सेकेंडली अभी हमने 1.4 बिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज प्रोवाइड किया है कॉज जिससे वो चाइनीज डेट ट्रैप से बाहर निकल सके मालदीव्स, कॉज अभी के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मालदीव्स के इब्राहिम सोली, इससे पहले जो अब्दुल्ला यामीन थे ही वाज प्रो चाइना और उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट उठाए थे, काफी इन्वेस्टमेंट करने दिए थे चाइना को इन हिज ओन कंट्री इन मालदीव्स, जिसकी वजह से वो डेट में फंस चुका है सिमिलर टू द सिचुएशन ऑफ श्रीलंका, एंड उससे उन्हें बाहर निकालने के लिए अपने प्रो इंडिया इंटरेस्ट को जगाने के लिए वहाँ, प्रो इंडिया सेंटीमेंट्स को जगाने के लिए वहाँ हम उन्हें डेट ट्रैप से बाहर निकालने की भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। अगर डिफेंस और सिक्योरिटी डिप्लोमेसी की बात की जाए, तो मालदीव्स हैव बीन विक्टिम ऑफ पायरेसी। पायरेट्स इंडियन ओशन में काफी ज्यादा डोमिनेट करते थे स्पेसिफिकली 2011 एंड 2012, और इंडिया ने काफी ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स लिए हैं मालदीव्स के साथ टू रिजॉल्व दिस इशू ऑफ पायरेसी। जैसे 2009 से लेकर अब तक इंडिया की नेवल प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है मालदीव्स के रीजन में एट द रिक्वेस्ट ऑफ मालदीवियन गवर्नमेंट। इंडिया किसी भी तरीके से बिना किसी की परमिशन के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता है। ये जो हमारी नेवल प्रेजेंस आपको देखने को मिल रही है, दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मालदीव्स। 2011 में मुझे एक और चीज देखने को मिल रही है, 2011 इंडिया मालदीव श्रीलंका ने एक ट्राइलेटरल मैरिटाइम कोऑपरेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसके अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी एंड द नेवीज ऑफ द टू काउंटर पार्ट श्रीलंका एंड मालदीव्स कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और रीजन में सिक्योरिटी को मेक श्योर करते हैं। 2016 में हमने इंडो मालदीवियन एक्शन प्लान फॉर डिफेंस प्रिपेयर किया है, जो डिफेंसिवली किस तरीके से हम मालदीव्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम सिक्योरिटी को और ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को और ज्यादा पर्टिनेंट और सब्सटेंशियल बना सकते हैं, उस चीज पे भी फोकस किया गया है। सिमिलरली 1989 में जब एक मिलिट्री कू होने वाला था मालदीव्स में, तब भी इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन था जिसमें हमने एक ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू वहां मिलिट्री कू होने से बचाया था, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया था इन मालदीव्स, वो भी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है डिफेंसिवली अगर देखा जाए इंडिया का इन मालदीव्स। अगर चैलेंजेस की बात की जाती है, तो चैलेंजेस में हमें ये देखने को मिलता है 2014 में जिस टाइम पे अब्दुल्ला यामीन प्रेसिडेंट थे और उसी के तुरंत बाद एक मोहम्मद नशीन करके एक लीडर है वहां के, उन्हें करप्शन और टेररिज्म के चार्ज में अरेस्ट किया गया। उस टाइम पे प्रो चाइना सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा एक्टिव थे मालदीव्स के अंदर, तब वहाँ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिले थे इन 2014 स्पेसिफिकली इन मालदीव्स, जिसकी वजह से मालदीव्स आज के डेट में डेट ट्रैप में फंसता हुआ हमें दिखता है और इंडिया इज ट्राइंग टू गेट इट आउट ऑफ इट। सेकंडली मालदीव्स ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पर्सपेक्टिव है सीपैक, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकल रहा है, विच इज चैलेंजिंग आवर सोवरेनिटी। तो मालदीव्स का उसे ज्वाइन करना हमारे लिए थोड़ा सा दुखदाई है, थोड़ा सा बेसिकली सेटबैक है जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टिल एवरी कंट्री इज वर्क फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड मालदीव्स इज ऑल्सो वर्किंग फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। जस्ट हमें ये देखना है कि हम इसे इस तरीके से यूटिलाइज ना होने दें कि वो हमारे इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे। मालदीव्स ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है जिससे उनका ट्रेड काफी ज्यादा होता है चाइना के साथ। चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ मालदीव्स, ऑल्दो इंडिया इज आल्सो इंप्रूविंग, इंडिया के रिलेशनशिप मालदीव्स के साथ काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम 2018 जब से इब्राहिम सोली की सरकार वहां हमें देखने को मिलती है। इंडिया इन 2018 वाज द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ मालदीव्स, बट आज की तारीख में इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद मालदीव्स। और लास्ट ईयर अगर देखा जाएगा तो हमारा जो बेसिकली
पार्टनरशिप ग्रोथ है या फिर जो हमारा इकोनॉमिक रिलेशंस का ग्रोथ है वो अराउंड दैट वाज अराउंड ट्रेड ग्रोथ वाज अराउंड 31%। सेकेंडली चाइना का जो प्रेजेंस जो है मालदीव्स में वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज का प्रेजेंस चाइना का प्रेजेंस होना हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। तो मालदीव्स को अपने साइड रखना, मालदीव्स के साथ कोऑपरेट करना, मालदीव्स के साथ कोऑर्डिनेट करना हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली डिफेंसिवली सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, सॉफ्ट पावर के पर्सपेक्टिव से या अपने आप को एक रीजनल पावर दिखाने के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ आपको जुड़े रहना है तो देखते रहिए चहल अकेडमी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।